हमने यूपी स्पेशल पे चर्चा किया था, ठीक है। तो इससे पहले हमने कुछ यूपी स्पेशल के बारे में आपको जानकारियां दी थी वीडियो के माध्यम से, जैसे कि हमने पढ़ा था कुछ उसमें क्या थी, जिलों से मुख्यालय क्या थे, भिन्न थे, ठीक है। जो जिला है उससे भिन्न मुख्यालय था, फिर से हमने देखा कुछ जो हमारे मंडल थे वो भी क्या भिन्न थे, तो कुछ ऐसे टॉपिक में हमने चर्चा किया था। लेकिन आज है जो यूपी स्पेशल का जो अगला पार्ट है, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे यूपी के जो हमारी विधानसभा है वो किस प्रकार से काम करती है और उसके टाइप्स क्या हैं विधानसभा के, हमारे यूपी का जो लोकायुक्त है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, लोकायुक्त के बारे में जानेंगे। उसके बाद में यूपी के जो वित्त आयोग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जो यूपी का हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारा अगर हम बात करें कि यूपी की जो हमारी की जो विधान मंडल है वो किस स्वरूप कैसा है, क्या है स्वरूप कैसा है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो हमारी विधान मंडल है, ठीक है, उस विधानमंडल में कैसा सदन है, हमारी विधानसभा कब स्थापित हुई, हमारी विधान परिषद कब स्थापित हुई, उसके बारे में वेरिएशन तरीके से उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की ओर। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की जब बात आती है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की जब बात आती है, उत्तर प्रदेश की विधान मंडल, विधानमंडल, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जो हमारी विधानमंडल है इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये विधानमंडल में जो क्या होता है, कि हमारे यूपी की विधानमंडल की बात करें, यूपी की विधानमंडल की हम बात करें तो जो हमारा यूपी का विधानमंडल है वो कैसा है, द्विसदनात्मक है। कैसे बताएंगे, द्विसदनात्मक है, क्या है, द्विसदनात्मक है। तो आपसे मैं एक जानकारी पहले ये दे दूं कि ऐसा होता है कि जो विधानमंडल होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक तो एक सदनात्मक और दूसरा क्या होता है, द्विसदनात्मक। जिन जिन राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, यानी जिन जिन राज्यों में विधानमंडल के लिए एक सदनात्मक व्यवस्था अपनाई है, वहाँ पर विधानमंडल में क्या होता है कि वहाँ पर एक राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनी होती है। वहाँ का विधानमंडल किन किन से मिलकर बना होता है, तो आप याद रखें क्या, राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना होता है। लेकिन जिन राज्यों में क्या है, विधानमंडल का जो सदनात्मक व्यवस्था है अगर द्विसदनात्मक है, तो वहाँ पर विधानमंडल जो बनेगा वो आपका बनेगा राज्यपाल को मिलाकर, विधान परिषद को मिलाकर और साथ में विधान परिषद को मिलाकर, ठीक है। तो विधानमंडल अगर द्विसदनात्मक है तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इनको मिला के बनती है। यदि अगर विधानमंडल हमारा क्या हो, एक सदनात्मक हो, तो वहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा से सिर्फ मिलके बनेगी, ठीक है। तो हम यूपी की अगर बात करें, क्योंकि हमें यूपी स्पेशल पढ़ना है, तो हम स्पेशल यूपी की ही बात करेंगे। तो जो यूपी में हमारा जो विधानमंडल है उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, द्विसदनात्मक है। कैसा है, द्विसदनात्मक है। तो द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है, जरा देखें यहाँ पे। तो इसमें जो पहला जो आपका सदन इसमें आता है वो आपका आता है क्या, विधानसभा। पहला कौन सा आता है, विधानसभा, और दूसरा आता है क्या, विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। इसे जो हमारे क्या है कि ये विधानसभा है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो हमारी विधानसभा है इसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। जो हमारी विधान परिषद होती है इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। यहाँ के जो सदस्य से उसे एमएलए बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग एमएलए बोलते हैं, एमएलए भी बोलते हैं, और जो यहाँ के सदस्य होते हैं इसे एमएलसी बोलते हैं, ठीक है, इसे एमएलसी और यहाँ के एमएलए। एमएलए का मतलब हो गया क्या,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ पर जो विधान परिषद में जो हमने देखा MLC, ये क्या होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर भी विधायक ही होते हैं, यहाँ पर विधायक होते हैं, यहाँ पर जो विधायक आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो निर्वाचित होकर आते हैं, और जबकि यहाँ पर विधान परिषद में आते हैं, ठीक है, हालांकि निर्वाचित भी ये होकर आते हैं, लेकिन ये जनता द्वारा चुन के नहीं आते हैं, हालांकि यहाँ पर क्या था जनता द्वारा निर्वाचन होता है, क्या होता है निर्वाचन होता है, ठीक है, निर्वाचन होता है। हमने ये खासकर यूपी की बात करना है, यूपी के हम विधानसभा और विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हालांकि जो हमारा संविधान है संविधान में, ठीक है, क्या है संविधान में विधानसभा की चर्चा, विधान परिषद की चर्चा और विधानमंडल की चर्चा, ये अलग अलग कैटेगरी में कर रखी है, क्या अलग अलग कैटेगरी में कर रखी है। अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में विधान मंडल की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे किसमें है 170 में, कितना है 170 में, और विधान परिषद का किसमें है तो 169 में, और विधानसभा की बात करेंगे तो यह है 171 में, कितना 171 में, कितना है 171 में। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के किस आर्टिकल में, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल गठित करने की बात की गई है, तो आप बताएंगे आर्टिकल कितना 170, ठीक है 170। अगर उस विधानमंडल में विधान परिषद है तो उसके लिए हमने प्रावधान कर रखा है आर्टिकल कितना 169 में, कितना 169 में, और विधानसभा की हमने बात कर रखी है आर्टिकल 171 में, किसमें 171 में। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं हो सकती, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं हो सकती, वर्तमान में अगर हम देखना चाहें तो हमारे प्रदेश में तो विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है, और इसके साथ साथ में 5 अन्य ऐसे जो राज्य हैं यूपी को छोड़कर 5 अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें गठित की गई हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो पूरे भारत में टोटल 6 ऐसे ही राज्य हैं, क्या है 6 ऐसे राज्य ही हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है, बाकी अन्य राज्यों में क्या है विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है विधानसभा ही है, यानी कि अन्य राज्यों में जो विधानमंडल का स्वरूप है वह कैसा है वो एक सदनात्मक है, जबकि 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधानमंडल का स्वरूप कैसा है द्विसदनात्मक है, कैसा है द्विसदनात्मक है। हालांकि इससे पहले 7 था जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो वहाँ पर भी विधान परिषद थी, ठीक है, लेकिन अब वो अलग हो चुका है, ठीक है, 31 अक्टूबर से वो वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं, तो इसकी वजह से अब हमारे जो राज्य बचे हैं वो 6 ही बचे हैं जहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम यूपी की अगर विधानमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो सीटें कितने हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारी विधानसभा में जो सीटें हैं यूपी की विधानसभा में जो सीटें हैं वो आपकी 403 प्लस 1, क्या है 403 प्लस 1, 403 प्लस 1 यानी कि टोटल 404। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है तो 403 प्लस 1 करके टोटल कितने आ जाएगा 404। तो 403 क्या है ये निर्वाचित हैं, क्या आप याद रखेंगे ये निर्वाचित सदस्य हैं, जो 403 है ये क्या है निर्वाचित, ये निर्वाचित हैं, और जो एक हमारा ये बच गया ये हमारा क्या है एक आंग्ल इंडियन है, ये आंग्ल इंडियन, ठीक है आंग्ल इंडियन, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति या इसका मनोनीत या मनोनयन कौन करता है या नॉमिनेट कौन करता है तो इसे करेगा आपका राज्यपाल, कौन करेगा राज्यपाल, ठीक है इसे याद रखेंगे कौन करेगा राज्यपाल। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि विधान जो हमारे राज्यों के जो विधान सभा होती है उसमें एक राज्यपाल द्वारा क्या होता है कि एक आंग्ल इंडियन की नियुक्ति की जाती है, ये आर्टिकल किसके अनुसार की जाती है, आर्टिकल किसके अनुसार, तो जब आर्टिकल पढ़ेंगे आप, ठीक है इसमें एक आर्टिकल आता है आपका, ठीक है आर्टिकल इसमें आता है एक आपका 333, ठीक है 333 में क्या है, ठीक है कि एक व्यक्ति को, ठीक है एक व्यक्ति को जो राज्यपाल होगा,
राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल उस विधानसभा में एक व्यक्ति को आंग्ल इंडियन क्या करता है, मनोनीत करता है, यानी कि नियुक्त करता है, ठीक है, मनोनीत करता है यानी कि वो नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद में क्या होता है कि जो ये हमारी जो सीटें हैं, ठीक है, 403+1, तो इनमें क्या है, कुछ सीटें हमारी क्या है, आरक्षित हैं, कुछ जो निम्न वर्ग के समुदाय के लोग हैं उनके लिए क्या है, कुछ सीटें हमने आरक्षित कर रखी हैं, क्या हमने सीटें कुछ आरक्षित कर रखी हैं, देखिएगा। तो ये 404 में से, 404 में से हमने क्या किया है कि जो 16 सीटें हैं, कितनी, 16 सीटें, 16, ठीक है, क्या है इनमें से क्या होती हैं कि 86 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं, क्या है, आरक्षित हैं। ये सीटें आरक्षित करने का प्रावधान जो आर्टिकल हमारा 332 है, ठीक है, आर्टिकल 332, ठीक है, इसके अनुसार हमने क्या कर रखे हैं, सीटें आरक्षित करती हैं, ठीक है, यानी हमारा भारतीय जो संविधान है जो आर्टिकल 332 है वो हमें ये बताता है कि जो राज्य के, जो प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उनमें कुछ सीटें का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हम खास यूपी की बात करें तो यूपी में 404 में से जो 86 सीटें हैं वो क्या है, आरक्षित हैं, किसके लिए, एसटी और एससी वर्ग के लिए, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कि एससी की कितनी सीटें आरक्षित हैं, एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो एससी की बात करें तो एससी के लिए जो सीटें इसमें आरक्षित हैं वो कितनी है आपकी, 84 सीटें आपकी क्या है, एससी के लिए आरक्षित हैं, जबकि दो सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, किसके लिए, इसमें दो सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, एसटी के लिए आरक्षित हैं, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा आर्टिकल 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक क्या करेगा, आंग्ल भारतीय को नियुक्त करेगा या मनोनीत करेगा, और वहीं पर हमने देखा आर्टिकल 332 क्या है, तो आर्टिकल 332 में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, प्रावधान किया गया है। और इसके बाद में अगर हम विधान परिषद की ओर एक बार नजर डालें, ये तो हमने पढ़ा था विधानसभा, अगर विधान परिषद की ओर एक नजर डालें तो जो हमारी विधान परिषद है, विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में इसमें सीटों की जो संख्या यहाँ पे हो चुकी है वो कितनी है, वो आपकी है कितनी, 100, कितनी है, 100। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 100, क्या है, 100, ठीक है, 100। और इस विधान परिषद में, ठीक है, याद रखेंगे इस विधान परिषद में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, आपको ये भी रखना है याद कि अधिकतम सीट कितनी हो सकती है। तो अधिकतम सीटों की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होती है कि विधानसभा का, किसका, विधान सभा का 1/3 से, 3 से अधिक नहीं होगी, क्या नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी। किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन किया गया है, याद रखिएगा किसी भी विधानसभा में, ठीक है, सॉरी किसी भी विधानमंडल में विधान परिषद का गठन किया गया है तो वहां पर, ठीक है, विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, किसी भी कंडीशन में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि जो हमारी विधान परिषद है, ठीक है, जो हमारी विधान परिषद है यहाँ पे न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम की अगर बात करेंगे, न्यूनतम, मिनिमम, अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। किसी भी विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी, 60, और अधिकतम कितनी हो सकती है, उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर वहीं पर हम बात करें कि जो हमारा ये विधानसभा है यहाँ पर कितने सीटें हो सकती हैं अधिकतम, तो अधिकतम की जब बात करेंगे, ठीक है, अधिकतम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 500, कितना हो सकता है, 500, क्या हो सकता है, 500, यहाँ पे अधिकतम कितना हो सकता है, तो इसे याद रखेंगे क्या, 500, 500। हालांकि यहाँ पे थोड़ा एक आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे न्यूनतम की कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि न्यूनतम में कोई बात नहीं की गई है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर देखें हम,
तो अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है यहाँ पर 60 हो सकती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि किसी भी विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी 500 और न्यूनतम सीटें कितनी 60 हो सकती हैं, क्या 60 हो सकती हैं, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की जो गठन की बात करें, विधानसभा के गठन की बात करें, तो विधानसभा का जो गठन हुआ ठीक, तो ये विधानसभा का जो गठन की हम बात कर लें, गठन जो गठन हुआ वो आपका जुलाई 1937 में किया गया, ठीक है। विधानसभा का जो गठन हुआ, जो विधानसभा का गठन हुआ वो कब हुआ, आपका जुलाई 1937 में हुआ। और इसके जो प्रथम की बात करें कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे, जो हमारा विधानसभा है इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष वो हमारे कौन रहे, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। तो प्रथम अगर बात करें कि प्रथम विधानसभा, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष का नाम बताइए, तो आपका नाम कहना चाहिए पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कौन है, ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात कर लें कि वर्तमान में हमारी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे क्या, हृदय नारायण दीक्षित, हृदय नारायण दीक्षित। इनके बारे में याद रखेंगे क्या, हृदय नारायण दीक्षित के बारे में, ठीक है। ये वर्तमान में हमारे विधानसभा के क्या है, ये अध्यक्ष हैं। हालांकि प्रथम कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। अब विधानसभा की अगर हम कार्यकाल की बात कर लें कि कार्यकाल इनका क्या होता है, कार्यकाल तो बताना है कितना, 5 वर्ष, कितना होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष ये कार्यकाल होता है हमारे क्या, विधानसभा का। और इसमें और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए सदस्यत्व बनने के लिए, न्यूनतम जो इसमें एज होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, ठीक है, जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज होनी चाहिए, ठीक, न्यूनतम न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो कितनी, 25 वर्ष, कितनी 25 वर्ष, कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष। तो याद रखेंगे जो हमारी विधानसभा है उसमें सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम एज 25 वर्ष, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन, और इसका जो कार्यकाल है, ठीक है, वो जो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, हमारे हृदय नारायण दीक्षित। कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी विधानसभा की कुछ बातें रहीं, ठीक है, जो हमने इसको जाना, ठीक है। फिर आगे देखिए, चलते हैं विधान परिषद की बात करें हमारा, कि जो हमारी विधान परिषद है, कि विधान परिषद की में विधान परिषद, तो विधान परिषद की बात करें कि विधान परिषद का जो गठन की बात आती है, किसका गठन कब हुआ, गठन की बात करें तो गठन इसका हुआ 1938 में। कब हुआ, 1938 में। विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है, इससे पहले आपने जाना कितनी है, 100, कितनी है 100। और इसके बाद में हमें देखना चाहिए विधान परिषद में इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल, तो कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका होता है 6 वर्ष का, क्या होता है 6 वर्ष, कितना होता है 6 वर्ष का कार्यकाल इनका, कितना होता है 6 वर्ष। और न्यूनतम
न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए इनको, ठीक है, न्यूनतम उम्र कितनी होती है इनके लिए। तो न्यूनतम उम्र की अगर हम बात करेंगे तो न्यूनतम उम्र इनकी होती है कितनी, 30 वर्ष। कितनी, 30 वर्ष। यानी कि आप 30 वर्ष की एज आपकी हो गई है तो आप क्या करेंगे, विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता धारण कर लेते हैं। और जबकि विधानसभा की बात की थी हमने तो वहां पर 25 वर्ष थी। कितनी, 25 वर्ष। तो अगर विधान परिषद में अगर देखें हम कि इसके प्रथम प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन थे, तो एक आपकी इसमें निकल के आएगी, नाम एक निकल गया आपका, कौन सा आपका नाम निकल के आएगा, क्या, चंद्रभाल। कौन से, चंद्रभाल। चंद्रभाल, तो ये जो चंद्रभाल हैं, ठीक है, ये हमारे विधान परिषद के क्या थे, विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। क्या थे, प्रथम सभापति थे। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में सभापति कौन है, तो रमेश यादव। क्या याद रखेंगे, रमेश यादव, ठीक है। तो रमेश यादव क्या है इस समय वर्तमान में, क्या है हमारे इस समय वर्तमान में क्या है, रमेश यादव, ठीक है। रमेश यादव क्या है, इसके सभापति हैं। क्या है, सभापति। रमेश यादव क्या है, वर्तमान में हमारे सभापति हैं, कहाँ के, विधान परिषद के। तो आपने देखा जो हमारी विधान परिषद है वो यूपी की, खासकर कहाँ की, यूपी की विधान परिषद। तो यूपी की विधान परिषद जो है वहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है, कितनी है, 100 है, ठीक है। और विधान परिषद में सीटों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चंद्रभाल। फिर हमने देखा क्या, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रमेश यादव। यहाँ का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का। अगर विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करनी है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए आपकी, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। इसका गठन कब हुआ, 1938 में। और हमारे संविधान में किस आर्टिकल में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण के बारे में, किसके बारे में देखा है, प्रथम अध्यक्ष, सभापति, और जो वर्तमान में वो कौन है, रमेश यादव। तो हमने भी एक बार दोहराव करना चाहें जो हमने पीछे जो पढ़ाया उसके बारे में, तो अगर हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ाया तो एक बार फिर से हम एक नज़र जाते हैं, विहंग दृष्टि डालते हैं इस पे। तो हमने देखा यूपी की विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, जो हमारी विधानसभा है, ठीक है, वो हमारी संविधान के किस आर्टिकल में दे रखा है। तो हम अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 171 में हमारी विधानसभा के गठन के बारे में बात कर रखी है। विधान परिषद के बारे में बात करें तो आर्टिकल 169, और जबकि विधानमंडल की बात करें तो आपका आर्टिकल 170 आता है। कितना, आपका 170 आता है। तो हमने देखा सबसे पहले विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधानसभा में हमारी कितने सीटें हैं, तो 403 प्लस एक करके टोटल 404 हैं। कितनी, 403 करके और एक प्लस आपके 404। तो जो 403 है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि एक जो होता है वो आर्टिकल जो हमारा कौन सा है, आर्टिकल हमारा जो 333 है, कौन सा, 333, आर्टिकल 333। तो आर्टिकल 333 के अनुसार प्रत्येक राज्य में, ठीक है, प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा है तो वहाँ पर राज्यपाल क्या करता है, एक आंग्ल इंडियन को क्या करता है, मनोनीत करता है। और हमारी विधानसभा की बात करें, इसका गठन कब हुआ, तो जुलाई 1937 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और वर्तमान में कौन है, तो हृदय नारायण दीक्षित हैं। कौन है, हृदय नारायण दीक्षित हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सीटों की संख्या है 404, तो 404 सीटों में से हमने क्या कर रखा है कि 86 सीटों, जो हमारी 86 सीटें हैं, आर्टिकल 332, ठीक है, आर्टिकल 332 के अनुसार, ठीक है, हमने अपने राज्य में 86 सीटों को आरक्षित कर रखा है, यानी कि हमने सीटों को रिजर्वेशन कर रखा है। कितने, 86 सीटों का, उसमें से 84 सीटें जो हमारी हैं वो SC कैटेगरी की है, यानी कि अनुसूचित जाति के संबंधित है। और जो दो सीटें SC कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बारे में हमने क्या रखा है, आरक्षित कर रखा है, ठीक है।
अगर हम कहीं बात करें कि जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा में ठीक है उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 80। क्या होती हैं? 80। तो 80 सीटें हमारी क्या है लोकसभा में आती हैं उत्तर प्रदेश की। इसीलिए कहते हैं कि जो संसद का रास्ता होता है वो यूपी से होकर जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश की। कितनी? 80। तो हमने ये विधानसभा के बारे में एक बार व्यू देखा, उसके बाद में अगर देखें हम विधान परिषद की, तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है ठीक है उसका एक दूसरा भाग होता है वो विधान परिषद। विधान परिषद में क्या होता है कि वहाँ पे विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक सीटें नहीं हो सकती। कितनी? 1/3 से सीटें अधिक नहीं हो सकती। और हमारे किस आर्टिकल में ये प्रावधान कर रखा है कि किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी? तो आर्टिकल 169 आपने देखा, कितना? 169। उसमें बता रखा है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या उसका उन्मूलन करना, ये कार्य किसका है? तो ये कार्य आपका क्या है? संसद का है। लेकिन सहमति जरूरी है किसकी? हमारी विधानसभा का। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की ठीक है, तो यहाँ पर जो सीटें टोटल हैं वो कितनी हैं आपकी? 100 हैं। कितनी हैं? 100 सीटें हैं। और विधान परिषद का गठन जो किया गया वो आपका किया गया 1938 में। कब? 1938 में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष वो चंद्रभाल थे। और जबकि वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष की, तो हमारे कौन है? वो हमारे हैं रमेश यादव। कौन है? रमेश यादव। तो हमने देखा जो विधान परिषदें हैं ठीक है, विधान परिषदें वो हर राज्यों में नहीं होती हैं, हर राज्यों में नहीं होती हैं, वो डिपेंड करता है उस राज्य की विधानसभा में, और उसको जरूरत पड़ेगी तो वो उसका गठन के लिए मांग करेगी संसद से, अगर नहीं है तो नहीं करेगी। तो इस तरीके से देखें तो पूरे भारत में हमारे केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं, केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया है। हालांकि इससे पहले 7 थे, लेकिन 31 अक्टूबर से जब जम्मू कश्मीर 2 राज्य अस्तित्व में आए, तब से हमारे कितने हो गए? 6 ही हैं। उन 6 राज्यों में से क्या है हमारा? एक यूपी भी है। तो देखेंगे हमारे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो सर्वाधिक बड़ी विधानसभा है वो क्या है? उत्तर प्रदेश की है। और जो सर्वाधिक बड़ी विधान परिषद भी है वो भी हमारी क्या है? उत्तर प्रदेश की ही है। क्या है? उत्तर प्रदेश की है। तो हमने एक बार देखा उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधानमंडल के बारे में और विधान परिषद के बारे में ठीक है। और जो हम इसके आगे टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा क्या? लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त।